नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आप सभी का लर्न्स लर्न पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, खासकर स्टूडेंट के लिए जितने भी पबजी लवर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पबजी लवर, हाँ दोस्तों पबजी लवर के बारे में है। लेकिन दोस्तों आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पबजी लवर ही बन के रहना है, पबजी एडिक्ट नहीं होना। तो दोस्तों पबजी लवर और एडिक्ट, मतलब जैसे मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ दोस्तों, आपको लवर ये है कि आपको पबजी खेलनी है, अपने हिसाब से खेलनी है, आपको पबजी खेलनी है। ये नहीं कि आप एडिक्ट हो जाओ कि फिर पबजी आपको खिलाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको पबजी खेलनी है लेकिन अपने हिसाब से खेलनी है, तो आपको लवर बनना है, एडिक्ट नहीं बनना। बिल्कुल दोस्तों, आपको एडिक्ट नहीं बनना, आपको लवर बनना है। लवर का मतलब यह है कि आप पबजी खेलते हो, आपको पबजी अच्छी लगती है, आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए खेलते हो। बस बात सिंपल है, आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए खेलते हो, आपको अपना जब टाइम मिलता है तब आप खेलते हो अपने इन्जॉयमेंट के लिए। तो बस आपको एडिक्ट नहीं बनना। तो दोस्तों आपको आज बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों पबजी खेलने से ना ज़्यादा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। ये हमारे मेंटली पावर को भी कम कर देता है, क्योंकि दोस्तों हम जब पबजी खेलते हैं तो हमारे माइंड में तरह तरह की बातें चलती रहती है। फिर हमारे पास जो भी दोस्त आता है हम उससे सिर्फ यही कहते हैं, यार तेरा भाई ने आज इतने किल करे, आज मेरी RP यार 50 RP हो गई, आज मेरे को 8x का स्कोप मिला Kar98 से, मैंने भाई 15 NMI भी किल करे हैं। तो दोस्तों आपके इससे ये होता है कि जब आप पबजी खेलते हो तो इससे आपका सोचने का विकास रुक जाता है, और इससे हटकर आप कुछ सोच नहीं पाते हो, अपने लाइफ के बारे में ध्यान नहीं दे पाते, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते, अपने एजुकेशन को ध्यान नहीं दे पाते, अपने स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों हो गया ना कि आप पबजी लवर से पबजी एडिक्ट हो गए। तो मैंने इससे पहले ही बोला था कि आपको पबजी लवर बनना है, एडिक्ट नहीं बनना। और जैसे मैं सोचता हूँ कि पबजी लवर मतलब है कि आपको इन्जॉयमेंट कितना खेल रहे हैं। तो दोस्तों इससे बचने से आपको ये फायदा, इससे बचना है दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको पबजी खेलनी है, एक लिमिट से खेलनी है। दोस्तों आपको पबजी खेलनी है लेकिन दोस्तों आपको खेल खेल के पबजी को अपने एडिक्ट से बचना है। दोस्तों पबजी खेलना बुरा नहीं है लेकिन ज़्यादा खेलना बहुत बुरा है। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट तो इस तरह पबजी खेलते हैं कि रात में उल्लू की तरह जगते रहते हैं, पूरी रात भर खेलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि यार 2 बज गए 3 बज गए, और दोस्तों वो सुबह तक खेलते रहते हैं। अब दोस्तों सोचो ज़रा, रात रात भर पबजी खेलोगे तो क्या होगा, आपके मेंटली पावर कमी तो होगी ना, साइड इफ़ेक्ट तो इतने सारे होने ही हैं। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ हिंट दे देता हूँ कि दोस्तों ज़्यादा ये होता है कि पबजी खेलते हो तो इससे आप सोच नहीं सकते, सोचने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है, और दोस्तों आपकी नींद भी नहीं आती, आप रात में सही से सो नहीं पाते, आप कुछ हट के कर नहीं पाते, आप अपने फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पाते, आप कुछ फिजिकली आप मेंटली आप स्वस्थ नहीं रह पाते हो पबजी से, दोस्तों ये होता है। लेकिन दोस्तों पबजी छोड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि दोस्तों ये सब निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्ति पर, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अब दोस्तों ये आपको सोचना है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, अगर आपकी इच्छा शक्ति एकदम बेकार है तो आप पबजी एडिक्ट हो ही जाओगे, आप पबजी छोड़ोगे नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको पबजी छोड़ना है, आपको पबजी खेलना है, बस एक लिमिट से खेलना है, क्योंकि दोस्तों आप स्टूडेंट हो, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल हासिल करना है, आपको एक बड़ा इंसान बनना है, सक्सेसफुल दोस्तों बनना है। तो दोस्तों आपको हर चीज़ का उपयोग लिमिट से करना चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ पबजी छोड़ना है, मैं तो कहूँ दोस्तों आपको अपने फ़ोन के एडिक्ट से भी थोड़ा बचना चाहिए। आपको फ़ोन का उपयोग करना है लेकिन दोस्तों गुड वे में, जब आपको ज़रूरत हो तब दोस्तों अपने फ़ोन का इस्तेमाल करो। इसी तरीके से दोस्तों आपको जब ज़रूरत हो तब पबजी खेलो। दोस्तों पबजी की तो ये नहीं है कि ज़रूरत हो तभी खेलो, अपने इन्जॉयमेंट के लिए खेलो, पर सीरियस नहीं होना, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देना है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।